नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज भले ही कितने भी आगे हम इंटरनेट से बढ़ गए हों, भले ही कितना भी हमको ऐसा लगता हो कि हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आज भी गांव देहात के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनको आज भी नहीं पता कि वो अपने करियर को कहाँ कहाँ किस किस दिशा में ले जाकर बेहतरीन और शानदार मोड़ दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं एयरलाइन यानी कि जो आपने नाम सुना होगा एयर होस्टेज, जहां टिकट चेक होते हैं, जहां टिकट देते हैं और भी ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती हैं एयरलाइंस में जहां पर आप अपने करियर को सुनिश्चित बना सकते हैं। दोस्तों, ये है एयरलाइन नई भर्ती जिसमें कि आप देखेंगे इसमें एयरलाइन में टिकटिंग होता है यानी कि टिकट का लेना देना चेक करना ये सब होता है। कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जब कस्टमर आते हैं, कस्टमर का मतलब जब पैसेंजर आते हैं एयरपोर्ट पर तो उनको कहाँ कैसे क्या करना है, बहुत सारी ऐसी जॉब है जिनके विषय में आज भी युवाओं को नहीं पता है। दोस्तों, आओ शुरू करते हैं इस विषय में जानना कि हम एयर होस्टेज के साथ साथ यानी कि एयरलाइंस में एयरपोर्टों पर जाकर के किस तरीके की बेहतरीन जॉब ले सकते हैं और आपके पास में बहुत ही बड़ा और शानदार मौका भी है। दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों आपके जो एयरलाइन में वैकेंसी होती हैं उनमें आप बेहतरीन जॉब कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03 और उद्देश्य एयरलाइन। Eligible candidates are requested to apply online through उद्देश्य एयरलाइन Academy Private Limited website। ये आपकी वेबसाइट है जहां से आप जाकर के इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है आपको। आगे है, No other means modes of applications will be accepted। यानी कि आप केवल ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाकर के ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। बिफोर द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट हेयर इज अ वैलिड ईमेल आईडी इन हिज और हर नेम एंड वैलिड मोबाइल नंबर। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी ठीक होनी चाहिए जिस समय पे आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। दोस्तों, इसके विषय में पूरी जानकारी इन्होंने दी हुई है और देखते हैं इसके विषय में क्या क्या यहाँ दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब करने का ये मौका होता है आप सभी के पास में, लेकिन समस्या इस बात की है आज भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो दर दर इधर से उधर भटकते हैं लेकिन सही दिशा सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता है। दोस्तों, यहाँ है, देखेंगे हम और आप सभी मिल करके, ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रही है आपकी 14 मार्च 2024 से हुई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड जो होंगी वो 31 मई 2024 को। टेंटेटिव एग्जाम डेट जो होगी वो अभी अनाउंस की जाएगी, अभी अनाउंस नहीं हुई है। आगे है पोजीशंस ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। तो बच्चों, क्या क्या है, पहला है कस्टमर सर्विस एजेंट। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, या तो आप 12वीं क्लास हो या 12वीं क्लास से ऊपर भी हो तो भी चल जाएगा आपका। और एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग सैलरी जो स्टार्ट होती है इसमें 18,000 से शुरू होगी और या 35,000, यानी 18,000 से 35,000 के बीच में आपकी शुरुआत होगी। इंसेंटिव वगैरह ये सब इसमें आपको दिया जाता है। आगे है बच्चों, इसमें 35,000 से 65,000 किस में है, एयरलाइन कैबिन क्रू या एयर होस्टेज वगैरह जो होते हैं इनकी सैलरी आप देख सकते हैं। बच्चों, काफी सैलरी होती है इसमें भी, एयर होस्टेज में 35,000 से शुरू होकर के 65,000 तक है और इंसेंटिव है। आगे हम और सारी चीजों को देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही जानना जरूरी है करियर सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर ट्रेवल एंड एयरलाइन टिकटिंग, यानी कि आपकी सबकी योग्यता कितनी है, 12वीं पास है या 18,000 से 35,000 के बीच में आपको शुरुआत होगी। एयरपोर्ट गार्ड हैंडलिंग, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग जो है उसकी आपकी 18,000 से 35,000 है। और रिटेल सबकी उम्र आप देख सकते हैं, उम्र है इधर 17.5 से 27 साल, 17.5 से 27 यहाँ 32 तक है, यहाँ 30 तक है और ये आपका 30 और ये 32 है। तो इसमें है आपका कार्गो मैनेजमेंट जिसमें आपका 18,000 से 25,000 तक की आपकी शुरुआत होती है। प्यारे बच्चों, आगे हम इसके विषय में और जानेंगे। टोटल जो इन्होंने पोस्ट रखी है वो रखी है आपकी कितनी, 1183 टोटल पोस्ट रखी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आगे देखेंगे। इसमें सबसे जो मेन चीज है वो क्या है, इस चीज को देखें आप बेटा,
अप्लाई करते समय पे हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट केयरफुली प्रायर टू फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ही और शी हैज एन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. द ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व टिल पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट. भाई सीधी सी बात है कि आपको आपकी आईडी और आपका मोबाइल जो है दोनों एक्टिव होने चाहिए. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी के आजकल एक्टिव रहते हैं. ठीक है, फिर क्या है बच्चों, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल और 100 रुपीज से आपको इसमें पे करना होगा. कोई सी भी आपकी कैटेगरी हो सब में आपको 100 रुपीज का पे करना ही होगा. नेक्स्ट है टाइम सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जाम जो होगा बच्चों आपका, यहाँ पर आपको बता दें इसमें आपका जनरल नॉलेज होंगे 25 क्वेश्चन के, एविएशन नॉलेज होगी 25 मार्क्स की, इंग्लिश होगी आपकी 25 मार्क्स की, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होगी आपकी 25 मार्क्स की. 1.5 घंटा आपको मिलेगा यानी कि 90 मिनट मिलेंगे और 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास में. कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास में. ठीक है बच्चों, द पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑब्जेक्टिव टाइप आपका बहुविकल्पी आपका क्वेश्चन पेपर होगा. द क्वेश्चन विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज. हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये होगा. ठीक है बच्चों, मोड जो है इसका यानी सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से. इसमें एक बात ध्यान रखने की वाली है आपको, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दो तरीके से सिलेक्शन होता है बच्चों. इसमें एक तो सिलेक्शन होता है जैसे आपने रिटन टेस्ट दिया, मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन होते हैं, आपने रिटन दिया, रिटन के बाद में आपका इंटरव्यू हुआ. अगर आप रिटन और इंटरव्यू दोनों चीज क्वालिफाई कर जाते तो सीधे आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है बिना किसी ट्रेनिंग के. बात को समझना बच्चों, बिना किसी ट्रेनिंग के आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है. लेकिन आप रिटन क्वालिफाई कर दिए, इंटरव्यू में रह गए, या फिर दोनों में से आपको देखा गया कि भाई आप कमजोर हैं, तो फिर आपको ये 1 महीने से 6 महीने तक का फिर ये टाइम लेते हैं आपका, जिसमें कि आपको ये ट्रेंड करते हैं और फिर आपका आगे इंटरव्यू कराते हैं. तो उसमें आपको लेकिन सिलेक्शन की गारंटी इनकी रहती है, आपको जॉब की गारंटी इनकी रहती है. ये खास बात इनकी बढ़िया होती है. और जैसे कि आपको पता है आज की डेट में बेरोजगारी के समय में बहुत सारे युवा हैं जिनको ये नहीं पता कि सही तरीके से हम अपने करियर को कैसे सुनिश्चित करें. तो प्यारे बच्चों ये जो एक तरीका है आपका एयरलाइन में जाने का काफी अच्छा है, जिसमें आपके पास में जैसे टिकटिंग का होता है. आपने नाम सुने होंगे जैसे कि yatra.com है ना, और रेड बुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अब हजारों से ज्यादा कंपनी है. अगर आप यहां से डायरेक्ट जाते हैं इंटरव्यू रिटन क्वालिफाई करके तो बढ़िया है ही है. अगर आप यहाँ फेल भी हो जाते हैं और आप इनके पास में अगर ये कोर्स कर लेते हैं 1 महीने से लेकर के 6 महीने का, अलग अलग तरीके के होते हैं ये, तो आपको ये ट्रेंड करके तब आपको इंटरव्यू करा करके नौकरी दिलाते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन और दमदार तरीके से मौका मिलता है जॉब को आगे सस्टेन करने का. क्योंकि आज की डेट में हजारों से तादाद में ऐसी कंपनियां हैं जिनको रात दिन लड़कों की संख्या, मतलब डिमांड उनकी पूरी नहीं होती है. तो दोस्तों आप भी अप्लाई करें, इसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इसकी जो PDF है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, जिसे आप कर लेते हैं तो ये बेहतरीन तरीके की जॉब आपको मिलती है. और ये होता ही है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियों की जरूरत पड़ती है आज की डेट में, एयरपोर्ट पे और एयरोप्लेन्स में, सब जगह जगह बहुत सारे लड़के लड़कियों की जरूरत पड़ती है. लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं हैं. तो आप भी जो है इस फॉर्म को भर के अपना एक बेहतरीन तरीके से करियर को सुनिश्चित कर सकते हैं कोर्स करके यहाँ से. क्योंकि बहुत सारी आज की डेट में ऐसी बातें हैं जैसे कि आप BSc करते हैं, BTech करते हैं, अलग अलग बहुत सारे लोग करके घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर भी स्कोप ज़्यादा है. इसे आप करेंगे तो शायद फ्यूचर आपका ज़्यादा ब्राइट रहे. और इसका मैंने लिंक भी नीचे भी दे दिया है, ये जो आपका पूरा PDF है ये मैंने उसमें दे दिया है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने इसको दे दिया है दोस्तों, वहां से भी आप देख सकते हैं. आप डालोगे टेलीग्राम में HDA डिफेंस तो वहां पर जाकर के आपको ये मिल जाएगा PDF भी. ठीक है बच्चों, और लिंक नीचे दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए. थैंक यू. जय हिंद.